सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सारिका सिंह और मैं हूँ इस समय दिल्ली के इंडिया गेट पे। गाइस, आप सभी का स्वागत है इंडिया गेट पे। संडे का दिन है और हम आए थे दिल्ली, तो मैंने सोचा चलिए इंडिया गेट की सैर करते हैं और आप सभी को भी इंडिया गेट की सैर कराते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इंडिया गेट का कुछ इस टाइप से नज़ारा है। संडे का दिन है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है, सभी लोग संडे का दिन एंजॉय करने आए हैं। और शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर ये पीछे सुभाष चंद्र बोस जी इंडिया गेट पे सलामी ले रहे हैं, रास्ते में देख सकते हैं। और इंडिया गेट पे बिल्कुल जस्ट हम पास में आ चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ का कुछ इस टाइप से नजारा। फ्रेंड आ चुके हैं अब बिल्कुल नज़दीक में, आप देख सकते हैं ये है कुछ इस टाइप से इंडिया गेट का नज़ारा। और इसके पास में ये देखिए इस समय सीजनेबल फ्लावर कितने ही अच्छे, ये देखिए ये सब देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ये इंडिया गेट के एकदम जस्ट पास का नज़ारा है, ये देखिए इधर इधर ये कितने अच्छे सीजनेबल फूल लगे हुए हैं, ये देखिए एकदम पास से ये ऐसा लग रहा है। ये देखिए और ये देख सकते हैं। और फ्रेंड वहाँ पे वो वहाँ पे अमर ज्योत जलती है, ये 24 घंटे जलती है, आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो वहाँ पे। इसको पहले जस्ट बीच में बना रखा था लेकिन अब वो वहाँ पे जल रही है, यहाँ पे बराबर ही जलती रहती है। फ्रेंड यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े डहलिया खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े डहलिया हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल जस्ट ये इसके इंडिया गेट के जस्ट किनारे बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं, ये देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए फ्रेंड इंडिया गेट के पास आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर झरना और वहाँ पे कितना बड़ा झरना, पास में चल के देख। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा छोटे छोटे पौधों में कितने ज़्यादा फूल हैं, पत्तियाँ कम फूल ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए ये ऐसे ही फूल काफ़ी दूर तक हैं। ये फ्रेंड इस समय आ चुके हैं बिल्कुल झरने के पास में, आप देख सकते हैं ये देखिए कैसा कलरफुल झरना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है पीछे इसके इंडिया गेट के पीछे का, ये देखिए इधर कुछ इस टाइप का नज़ारा है, इधर ये छोटा झरना और इधर ये बड़ा झरना जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड अब आ चुके हैं उस जगह पे, इधर ये सामने इंडिया गेट है और आप लोगों को दिखाते हैं इस साइड में वहाँ पे वो जो पीछे लाइट जल रही है वहाँ पे वो सामने उधर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से लेके इधर से यहाँ से लेके वहाँ पे वहाँ से लेके सीधे वहाँ तक
परेड होती है सीधे, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में। गाइस आप देख सकते हैं उस जगह पे इस समय है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम शांति का माहौल है इस टाइप से, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग आ रखे हैं और इधर देखिए वहाँ वो सामने पीछे तक लाइटें जा रही हैं, उधर बीच से ऐसे रोड है और फिर उस पट्टी में राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे। फ्रेंड जो इंडिया गेट है यहाँ से, इंडिया गेट से और इधर ये राष्ट्रपति भवन वहाँ पे है जो उधर वो सामने है वहाँ के, यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी कम से कम 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। और जब यहाँ पे परेड होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी में तो यहाँ पे हर एक राज्य की, यहाँ से स्टार्टिंग होती हर एक राज्य की, यहाँ से झांकियाँ यहाँ से आती हैं वहाँ राष्ट्रपति भवन के लिए जाती हैं। और आज यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस समय तो हम लोग आ नहीं पाते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम ही पड़ जाता है जो आना नहीं हो पाता है, लेकिन आज ऐसा मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जाके घूमें और आप सब लोगों को भी दिखाते हैं, इस वजह से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप लोग भी देखिएगा, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। उधर जो वो मूर्ति दिख रही है वो काफ़ी दूर है और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पास में है, उसकी और उसकी दूरी काफ़ी दूर पे है ये। फ्रेंड इधर इंडिया गेट से अब हम जा रहे हैं उस पट्टी में, अभी आप लोगों को उधर का भी नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1 घंटे हो गया और अब जा रहे हैं। मैं फ्रेंड जी हैं मोदी जी और इनके बगल में ये रखी हुई है तो गन, और ये इधर बच्चों ने वो मिसाइल है, पीछे मिसाइल है आप देख सकते हैं, और मोदी जी के साथ में एक सेल्फी तो बनती है मेरी। अब यहाँ सेल्फी वगैरह लेने के बाद में अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, बाय बाय। अब जा रहे हैं थोड़ा आगे, मोदी जी के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाने के बाद में आ चुके हैं। यहाँ देखिए ये है गार्डन और इधर है ये झील, हाँ, और ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े डहलिया हो रखे यहाँ पे, हाँ। और इसके आगे इधर ये देखिए फव्वारा, ये झील की ये देखिए झील के उधर काफ़ी अच्छे अच्छे डहलिया लगे थे और झील के इधर ये है फव्वारा, ये देखिए इधर ये यहाँ पे ये देखिए गाइस, ये बड़े बच्चे हैं कि छोटे बच्चे हैं, ये देखो कैसे इनके सींगों में लाइट जल रही है आप देख सकते हैं, ये सब मस्ती के मूड में आ जाए हैं संडे पे, देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ व्यू। इंडिया गेट पे बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं ये आप देख सकते हैं, इधर भी एक झरना है, ये इधर इंडिया गेट, इधर ये इंडिया गेट है ये साइड में और इधर ये पास में ये झरना आप देख सकते हैं, लाइट कितनी अच्छी अच्छी लग रही है झरनों पे, ये देखिए बहुत ही अच्छा झरना। अब उस झरना से काफ़ी इधर आ चुके हैं, इधर गाइस देख सकते हैं आप ये इंडिया गेट का इस साइड से व्यू। ये बैंड है कितने का? 70 है सर। ये 70 रुपीज़ का बैंड है, देखते हैं लगा के कैसा लगेगा लगाने पे। देखिए बैंड कैसा लग रहा है लगाने पे, अच्छा लग रहा है फ्रेंड, देख सकते हैं लाल वाला कोई लाल है, ये की चीज है। ये कितने का है लगा के दिखाइए, देखिए ये वाला अच्छा लग रहा है, ये देखिए कौन सा ये बैंड अच्छा लग रहा है, अभी हमें कंफ्यूज, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा ये कौन सा अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं। ये वाला कितने का है? 50 का है, ये 50 का है, अभी हम ये पकड़िए, अभी हमें कंफ्यूज, देखते हैं ये सही लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये देखिए पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करें।
अभी आप लोग गाइस अब आ चुके हैं पार्क के बाहर। हेयर बैंड तो मुझे कोई पसंद नहीं आया, कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं अच्छा लग रहा था उसमें हो गए कंफ्यूज, तो अभी मैंने वो नहीं लिया है। अब देखते हैं कुछ यहाँ से खाया पिया जाए। देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं खाने पीने की, तो देख सकते हैं अभी हस्बैंड जी देखें क्या लेके आते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडिया गेट की मशहूर भेलपूड़ी लगी हुई है, अभी देखते हैं कैसी इनकी भेलपूड़ी है ये भी बना के है। इंडिया गेट की फ्रेंड ये इधर इंडिया गेट की मशहूर भेलपूड़ी लगी हुई है, भेलपूड़ी काफ़ी लोग भेलपूड़ी भी बोलते हैं, काफ़ी लोग भेलपूरी भी बोलते हैं, सबका अलग अलग है, पापड़ी चाट वगैरह है। तो फ्रेंड हस्बैंड जी लेके आ चुके हैं गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न, तो देखते हैं गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न का आनंद लेते हैं, टेस्टी हैं काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सारे दुकान वाले लगा रखे हैं पुलिस वाले इनको, ये देखिए ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले इनको सबको यहाँ से दुकानें हटवा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए इन लोगों ने पूरे में दुकानें लगा रखी थी, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा था उसकी वजह से, ये आप देख सकते हैं ये सभी ये देखिए यहाँ पे ये रास्ता सारा ब्लॉक कर देते हैं, इस आने जाने वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से यहाँ पे सारी ये जगह खाली करवाई है अभी अभी बिल्कुल जस्ट। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी थी जो सारी दुकानें खाली करवा चुके हैं, गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड कॉर्न वगैरह स्वीट कॉर्न वगैरह खा लिया है और उधर घूमना भी हो चुका है, तो फ्रेंड अब जा रहे हैं घर के लिए। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो ब्लॉग पे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं सारिका सिंह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।